नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़, 45 से अधिक के सभी लोग टीका लगाए, बिना टैक्स चुकाए नहीं मिलेगा पानी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। बाजार में कोरोना संक्रमण के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने कुछ शर्तों में ढील देकर बाजार को दोपहर 2 बजे तक खुला रखने का आदेश दिया। पूसद बाजार में कोरोना संक्रमण के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद पहली बार पूसद बाजार पूरी तरह खुला। बाजार में यह तस्वीर सामने आई है कि नागरिक समेत कारोबारी समुदाय पहले दिन एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना भूल गए। पूसद बाजार खुलने पर व्यापारी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। पूसद में एक किराना स्टोर, कपड़ा, फर्नीचर, होटल, जेरोक्स सेंटर, ऑटो गैरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, मोबाइल की दुकान, ऑटोमोबाइल, सराफा बाजार समेत अन्य प्रतिष्ठानें खुले। तो वही दूसरी ओर 45 से अधिक के सभी लोग टीका लगाए। टीएचओ डॉक्टर अर्चना ढेटे ने किया आह्वान। टीएचओ डॉक्टर अर्चना ढेटे ने तहसील में 45 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने, नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा तहसील के हर गाँव में एक कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। मारेगांव तहसील में भी पिछले कई दिनों से हर गाँव में टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और आपको और आपके 45 वर्ष से अधिक के जान पहचान वालों से संपर्क कर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो वही तीसरी ओर बिना टैक्स चुकाए नहीं मिलेगा पानी। वसंत नगर क्षेत्र में पानी के लिए भटक रहे हैं लोग, ग्राम पंचायत ने जारी किया आदेश। तहसील के पोफली के वसंत नगर इलाके के नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। करीब 18 लाख रुपए की लागत से पानी उपलब्ध कराने के साथ ही ग्राम पंचायत ने फतवा जारी कर कहा है कि बिना घर टैक्स चुकाए पानी नहीं मिलेगा, जिससे नागरिकों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकने की नौबत आ गई है। वर्ष 2017-2018 में चीनी फैक्ट्री बंद हो गई है, जिससे पानी की समस्या निर्माण हो गई है। पानी की जरूरत को देखते हुए क्षेत्र में 6 जगहों पर हैंडपंप लगाए गए थे, इनमें से 3 में पानी ही नहीं है। शेष 3 अप्रैल तक चलते हैं, फिर सूख जाते हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण योजना के तहत 8 लाख रुपए की लागत से 2019 में कुआं बनकर तैयार हुआ था। 14वें वित्त आयोग की ओर से 10 लाख रुपए की लागत से वसंत नगर स्थित कुएं से पाइपलाइन बिछाई गई। यह काम साल 2020 में पूरा किया गया था, लेकिन अभी तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। कोरोना काल में ग्राम पंचायत बिना हाउस टैक्स चुकाए पानी देने को तैयार नहीं है। 50% गृह कर एवं 500 रुपए जमा किए बिना नल कलेक्शन जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भी 40 लोगों ने अग्रिम राशि जमा करवाई, 20 लोगों ने होम टैक्स चुकाया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।